तो देखते हैं आंखों सुनते कानों को, शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज की क्लास के अंदर हम एक और सोशल मीडिया पोस्ट बनाने जा रहे हैं, तो रेडी रहिए, तैयार रहिए। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, आपने आना है फाइल पे, न्यू पे क्लिक करना है और 800x800 का हाइट और विड्थ लेनी है, रेजोल्यूशन 72 RGB कलर और व्हाइट बैकग्राउंड। देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, उसके बाद आप कलर देंगे इसके ऊपर। यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे आने के बाद आप टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब कलर कोड लिखेंगे 9533D3। तो ये पर्पल टाइप का कलर हो जाएगा। आप ओके करेंगे, ऑल्टर बैक स्पेस करेंगे तो आप देखेंगे इस पे कलर आ चुका है। उसके बाद जनाब आपने करना है क्या, करना कराना कुछ नहीं, सिंपल फाइल पे आना है, ओपन। ओपन के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, इन चारों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या क्या उठाना है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मुझे ये उठा के यहाँ रखना चाहिए, इसको ड्रैग करता वाला हूँ, यहाँ रखूँगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं ये उठाऊंगा, यहाँ रखूंगा, उसको उठाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको उठाऊंगा या इसको, मैं इसको कहूँगा इसको, उसको उठा के यहाँ रख दूंगा। मेरे ख्याल से तीन काफ़ी हैं, बाकी को मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है। अब इसको मैं रखूंगा सेंटर पे, इसको रखूंगा मैं इसके पीछे और इसको भी मैं रखूंगा इसके पीछे। ये देखें, ये आगे रखा हुआ, ये पीछे। अब इन सबको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा उसको बीच वाले को बड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। अब कंट्रोल टी से इसको यहाँ रखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, थोड़ा सा इसको भी कंट्रोल टी से छोटा कर लिया, ठीक है। कंट्रोल टी से इसको घुमा लीजिएगा थोड़ा ऐसे, इसको भी कंट्रोल टी के साथ थोड़ा घुमा लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इमेज ख़राब हो रहा है, तो इसको हम ब्लर थोड़ा शार्प कर देते हैं, फिल्टर शार्पन और शार्पन, ठीक है, थोड़ा सा शार्प हो गया, अच्छा हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा इसके शेडोज़ आ रहे हैं, शेडोज़ को थोड़ा सा हम मिटाएंगे, यहाँ मास्क पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएं और उसको थोड़ा सा शेडोज़ को मिटा दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक कलर लीजिएगा, ओह ये वाला, सॉरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको हार्ड कर लीजिएगा। अब वाइट कलर लीजिएगा, थोड़ा क्लिक कीजिएगा तो ये दोबारा से इसको, इसके हार्डनेस ले आएंगे आप, ठीक है। इस पर आएंगे, इसको मास्क देंगे आप, ब्लैक कलर ऊपर कर लीजिएगा क्लिक करके, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर एक्स दबाएंगे तो कलर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मतलब वाइट ऊपर आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इसको मिटाते हैं ऐसे, ठीक है। एक्स दबाएंगे, कलर ब्लैक ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आप अपनी कुंवारी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स दबाएंगे, व्हाइट कलर पाएगा। अब सिंपल क्लिक क्लिक करें ताकि शार्प हो जाए, ओके। इसको मिटा देंगे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा उसको भी हमने रिफाइन करना है यहाँ यहाँ। और अब हम लेंगे एक अदद ब्रश टूल, दोबारा साइज का बड़ा कर लेंगे, हार्डनेस जीरो कर लेंगे, एक लेयर खोलेंगे यहाँ पे, इसको बड़ा कर लीजिएगा, कलर सॉरी ब्लैक रखिएगा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे यहाँ और उसको रखेंगे यहाँ पर और सब के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब हम इस पर डबल राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन देंगे बीच वाले पे और इसको इनर शेडो देंगे पर्पल कलर का, यही यही कलर, ठीक है। बेस्ट हो गया जी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा स्प्लैश डालेंगे, ठीक है जी। तो फाइल पे आते हैं, ओपन, यहाँ से स्प्लैश उठा लेते हैं, स्प्लैश हमारे पास बहुत सारे, तो मैं ये ले लेता हूँ, ये दो ले लेता हूँ, ओपन करें, एक ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। और कौन सा है ऐसा हमारे पास, एक हमारे पास ये भी है, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा ऐसे और इसको रख दूँगा के बैक साइड पे, ठीक है, उठा के सेंटर में रखे ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कारिस्तानी करनी है, इसको मास्क दें और हमने इसको थोड़ा थोड़ा मिटाना भी है, तो ब्रश टूल के जरिए इसको मिटाएंगे आप, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। थोड़ा ब्रश का ना हार्डनेस कर दीजिएगा, ठीक है, ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब हम उठाते हैं, इसको कर दें क्लोज,
इस वाले को हम क्लोज करते हैं। एक और कोई होगा हमारे पास, ये वाला, इसको उठा के यहाँ रखें आप, ठीक है, कंट्रोल टी से छोटा कर लें। इसको थोड़ा और छोटा करें, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इस पे करेंगे एडिट, और यहाँ से रहेंगे हम पपी ट्रैप। पपी ट्रैप का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? पपी ट्रैप का फ़ायदा होता है कि आप इसको इजीली मूव करा सकते हैं। कैसे? सिंपल, आप देखिएगा कि मैं इस पे क्लिक करूँगा, एक पॉइंट यहाँ ऐड होगा, एक पॉइंट यहाँ ऐड होगा। अब मैं इसको इजीली मूव करा सकता हूँ, एक पॉइंट हम यहाँ ऐड कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे रहे और बाकी चीज़ें मूव होती रहे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, एक पॉइंट और ऐड होगा और उसके ऊपर चला जाएगा। अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ तक हो गई बात क्लियर? अच्छा, पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना इसका शेप छोटा है, तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको दोबारा उठा के लाता हूँ, और मुझे लगता है इसका शेप थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि जानदार दिखना चाहिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये शेप थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये शेप लग रहा है। अच्छा, तो इसको रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे बीच वाले को, ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो और तो इसको साइड में बाहर निकालें, इसको भी ऐसा रखते हैं, इसको यहाँ रखें, और इसी की मिल्की में डुप्लीकेट कर लेता हूँ। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, रिहॉरिजॉन्टल, और इसको यहाँ रख के इसको पीछे कर दूंगा इसके, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात अपनी ज़बरदस्त, ठीक है। और इसको एक तो इसका हो गया शेडो, कंट्रोल टी से इसको छोटा कर लें, इसी की डुप्लीकेट बना लें कंट्रोल जे, इसको रखें ऐसे, थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, फिर घुमाएं, इसको रखें यहाँ पे। यहाँ तक हो गई आपकी मेरी बात, ठीक है। इसको कंट्रोल जे कॉपी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक फॉर हॉरिजॉन्टल, और इसको रख देंगे इसके नीचे। तो यहाँ तक तो ये बन गया। अच्छा जी, अब इस आइसक्रीम का कोई नाम रख देते हैं। मैंने टैक्स लिया, और टैक्स लेने के बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ FFF4C9, ठीक है, और मैं टैक्स लिख के इसका नाम देता हूँ फंडी, और इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट मैं स्क्रिप्ट कोई देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट हो अगर, ठीक है, एक स्क्रिप्ट ले रही मैंने कैंडी स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको यहाँ रखा, कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ रखें। अब छोटा सा काम और करना है कि इसको जो ये एक लहर आ रही है, इसको कंट्रोल टी से इसको साइड में कर दें थोड़ा सा, या तो थोड़ा साइज छोटा करें इसका, ठीक है। इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ कर दें, ठीक है, फॉन्ट ही रहेगा, इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और फॉन्ट समझ में आ रहा है अगर, तो देख सकते हैं, देखते हैं कोई और फॉन्ट अगर स्क्रिप्ट में अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा? मुझे लगता है कि ये भी अच्छा लग रहा है। और अच्छा, फॉन्ट ये सब आपके अपने स्वाभाविक पे होता है कि कौन सा आपको अच्छा लगे, कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम की टाइप की है, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, बट फिलहाल वही रख लेते हैं, हमें कैंडी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा सा इसको फिलहाल और नीचे कर लें यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ रख लें, इसको भी, और इसको भी थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इसको भी नीचे, इसको भी यहाँ नीचे रखना है, ठीक है। इसका एक फॉन्ट दोबारा मैं चेंज करूँगा। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना हर चीज़ चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ कोई चीज़ परफेक्ट है, ठीक है ना। तो आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है शायद मुझे। अब मैं एक टेक्स्ट लिखूँगा वेफल कॉन, ठीक है,
ये फॉन्ट लिया मैंने अनबर्टो, ठीक है, यहाँ रखा, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है जी। अब इसका कलर दे देता हूँ मैं, डबल क्लिक करके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ E64A4, सॉरी E64A DD, बट ये कलर आपने वेफल कॉर्न में देना है, ठीक है। हाँ, उसमें गलत दिया, अंडू कर दें, ठीक है जी। हाँ, आपने इसमें कलर दे दिया और इसको नीचे कर रखते हैं, ठीक है। अब इसको हल्का सा ड्रॉप शेडो देंगे वेफल कोन को, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, हल्का सा ड्रॉप शेडो, और उसको पकड़ के थोड़ा सा राइट पे करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका डिस्टेंस कर देंगे 2, साइज इसका कम करेंगे, और ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम, जस्ट लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है जनाब? इसको रखें, इसको यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, इसी कलर को थोड़ा सा डार्क ले लीजिएगा, एक क्लियर खोलिएगा, पेन टूल लीजिएगा, और हल्का सा यहाँ पे पाथ पा के इसको ले लीजिएगा शेप, ठीक है। यहाँ से ये कलर उठा लीजिएगा और हल्का सा इसको लाइने देंगे इस तरह, ठीक है, कर्व लाइन है ना, इस तरह एक कर्व लाइन आएंगे इस तरह, ठीक है। और ये और पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिएगा, कुछ शेप आ गया आपका इस तरह। बट थोड़ा सा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, मुझे ज़्यादा कर्व ख़राब आया इसका, तो पेन टूल लेता हूँ, इसको अंडू करें सबको, ठीक है। हल्का सा कर्व देंगे, एक क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, मैंने जल्दी में बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा इस तरह हो जाए, आप ज़रा प्यार से बनाइएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे आप। अच्छा, अब पेन टूल लेने के बाद ये जो स्ट्रोक आ रहा है इसको स्ट्रोक ख़त्म कर देगा, अगर आपके पास आ रहा हो, फिलहाल मेरे पास आ रहा था, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रख दूंगा इस तरीके से, ये क्या, कंट्रोल डी से थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा दबा दें और उसको नीचे ले आए, चले जी यहाँ तक काफ़ी है, थोड़ा सा उसको नीचे, गुड हो गया। अच्छा जी, अब करने के इस जो आ रही है स्प्लैश, इसको डुप्लीकेट कीजिएगा कंट्रोल जे से, इसको उठा के यहाँ रखिएगा, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजेंटल और राइट क्लिक फ्लिप वर्टिकल, इसको रखेंगे आप ऐसे, और इसको उठा के नीचे लेयर पे ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, फाइल पर आए, ओपन, और हमने यहाँ से लेना है ये, ले उठा लीजिए, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिएगा, फाइल ओपन ओपन करने के बाद यहाँ से उठाइएगा, इसको उठा के ऐसे रखिएगा, सही है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसको साइज छोटा कीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा, तिरछा, फिल्टर ब्लर में आके इसको करेंगे आप गॉशन ब्लर, गॉशन ब्लर में इसको दे दूंगा 12, ज़्यादा हो जाता है, 12, 8 दे दीजिए, 5, ओके, गुड हो गया 5, इसको यहाँ रखा, थोड़ा सा तिरछा करा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, ये हो गया, बल्कि इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छा लुक आएगा इसका। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसकी ही को डुप्लीकेट बना लेंगे आप, ठीक है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ रख देंगे, क्लियर हो गया। फाइल पाएंगे ओपन, यहाँ से आप ले लेंगे ये, और इसका पत्ता काट लेंगे ऐसे, ये टूल होता है हमारे पास लैसो टूल, मैं बता चुका हूँ पुरानी क्लासों में, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, ये कहाँ चले गए रहा, इसको ऊपर उठा के रखें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, कंट्रोल यू कीजिएगा, इसका थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाइएगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, ठीक है, ऐसे, कंट्रोल एल, ठीक है, इतना काफ़ी है, थोड़ा सा कम, और इसको करेंगे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट कर लें कंट्रोल जे, एक पत्थर का आपने यहाँ पे,
कंट्रोल टी घुमा के ऐसे और छोटा करा साइज इसको, फिर फिल्टर ब्लर गॉशन ब्लर इसको आप देते हैं 3, ठीक है इसको यहाँ रख दिया, और एक रखा इसको आपने पीछे, ठीक है कंट्रोल एल से थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, ठीक काफ़ी यहाँ तक। अच्छा जी, हम टेक्स्ट लिखेंगे, मैंने कलर यही रखना है जो फंडी का है, और यहाँ पे लिखा मैंने फ्रेश मिल्क, इसका साइज़ छोटा कर दिया मैंने 36 से 26, 30 कर दिया मैंने, का थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं इसको, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। अब इसी की डुप्लीकेट मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने दिया पटेटल डिफरेंट फ्लेवर, तो थोड़ा सा मुझे इसको यहाँ रखना पड़ेगा, इतना यहाँ रख देते हैं, ठीक है जी इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया। अच्छा एक टैक्स और लिख देता हूँ इधर, यहाँ पे साइज थोड़ा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कर दिया, ठीक है अपनी मर्जी का। अच्छा अब इसके अंदर बैकग्राउंड में थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है, थोड़ा सा उसको लाइट कलर देने से पे क्लिक करके हम थोड़ा सा लाइट कलर देंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है और सबसे नीचे आके बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर खोलते हैं, और हार्डनेस 0 करके इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का प्लस आ रहा हो कलर लेने के बावजूद, तो आप कैप्स लॉक दबा दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा आपको ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ 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 2-3 मरतबा देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है जी ये काफ़ी बेटर हो गया है, काफ़ी बेटर लग रहा है, काफ़ी इतना काफ़ी है, थोड़ा सा यहाँ और यहाँ दे देंगे मेरे ख्याल से काफ़ी। अच्छा एक काम करें, राइट क्लिक करें सील इस लेयर पे, बड़ी वाली पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, और कुछ ट्विक्स करनी है इनर शेडो पाके, इसको मैंने कर दिया 3, 3 काफ़ी है, और उसको एक करके देखते हैं, ठीक है और उसको ब्लैक कलर ले आते हैं थोड़ा सा डार्क पर्पल, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। और लास्ट में फाइनल टच दे रहे हैं, हमने इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, फाइल ओपन, और ये हमने ले लिया, इसको उठा के यहाँ रखा, ठीक है इसको उठा के हम रखते हैं इसके सबसे पीछे, ठीक है कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लीजिएगा, राइट क्लिक पर हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ रखा और इसको कर दिया ब्लर, या मेरे ख्याल से सही है, इसको ब्लर कर दिया हमने 5, नहीं ये 3 सही लग रहा है, ठीक है थोड़ा सा उसको हमने यहाँ रखा, फिर कंट्रोल जैसे इसकी डुप्लीकेट करी, थोड़ा सा हमने इसको छोटा करके यहाँ और इसको नीचे की साइड पे रखा ऐसे, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको रिफाइन करेंगे हम, ओहो हार्डनेस तो 0 करने बढ़ाना भूल गए, तो बढ़ा देते हैं जी, क्या मसला है, थोड़ा सा कट कर लें इसके लिए, ठीक है डिफरेंट फ्लेवर्स, अच्छा जी एक छोटा सा काम और करते हैं, इस पत्ते को उठा के यहाँ रखते हैं, कंट्रोल डी से बड़ा करके थोड़ा सा घुमा देते हैं, एक तो ये आ गया ये, और इसके बाद आपने करना है क्या, फाइल ओपन, और यहाँ से आइसक्रीम की लोगो उठाना है, उसको उठा के यहाँ रखना है ऐसे, कंट्रोल आई करना है इन्वर्ट कलर, इसको यहाँ रखिएगा, ये आ जाएगा यहाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा भला से ताकि बराबर हो जाए, और इसको बड़ा कर लीजिएगा, और इसको लास्ट टच देने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा
और सर उसको खिसका दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई लास्ट टच दें हम इसके अंदर, ये उठा लेते हैं, नहीं ये नहीं, हम ये उठा लेते हैं अगेन, तो यहाँ रखते हैं तो यहाँ, और उसके पीछे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इसको ऊपर रख के देखते हैं, कंट्रोल टी के साथ इसको रखते हैं नीचे, इसको उठा के अब नीचे रखें ऐसे यहाँ पे, और इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा और छोटा करेंगे, कंट्रोल टी इसको रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है जी। तो ये आपका सोशल मीडिया पोस्ट तैयार है, इसको आप इंस्टाग्राम पे भी यूज़ कर सकते हैं और कई जगह अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। देखें कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, कभी कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। आज जो हमने बैनर सीखा या पोस्टर सीखा या सोशल मीडिया की पोस्ट सीखी, तो उससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं, हम उसके अंदर ट्विकिंग करते रहते हैं वक्त बाय वक्त थोड़ा सा। जैसे कि मैंने इसको और बढ़ा लिया यहाँ से, ये आपने देखा, और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रख लिया और दोनों को छोटा करा साइड से, तो जहाँ आप सेटिस्फाई हो वहाँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है लिए, ठीक है जी। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा।